आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार के कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में जहां खुले मंच से अपने लिए वोट मांगे, तो वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। राजीव गांधी को मैं प्रधानमंत्री मानता था, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी प्रधानमंत्री मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था वो 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बिहार में जाते वो 15 पैसे रह जाते हैं। ये 85% पैसा जो खाते थे उनको रोकने का काम कोई अमरीका के प्रधानमंत्री को नहीं करना था, उन्हें ही करना था। ये जो बड़ा पैसा 85% उस जमाने के एडियो जरा समाज कल्याण अध्यापी के सरकारी अगर ये खाते थे तो उस समय के बेईमान कांग्रेसी नेता भी कहते होंगे 85% नहीं खाने देंगे हमारा हिस्सा हम लोग। ये 85% का कमीशन को रोकने का काम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में करने का काम किया। अब किसान सम्मान निधि पूरी 2000 आती है, 1,999.99 रुपये नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते हैं कि जीरो बैलेंस में 55 करोड़ लोग जो कभी बैंक की तरफ गए ही नहीं थे उनका खाता खुलवा करके इस 85% कमीशन को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश में पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कोठी मीना बाजार मैदान में मौजूद भीड़ को बताया कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब अपराधी कैसे तांडव मचाते थे। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि ना तो सम पुरुष ना तो सम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। आप उत्तर प्रदेश में अगर आप मुख्यमंत्री जी की पहचान, मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, अपने भाषण का अंग बनाना पड़ेगा केवल उत्तर। ये आज मैं कहना चाहूंगा, ये गुप्त काल भारत का सोनियुग था और लॉ एंड ऑर्डर में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का सोनियुग है, जिसमें भेड़ और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं। मैंने आपसे एक दिन और निवेदन किया था, 2:45 पर मधु रिसोर्ट से शादी से लौटते हुए एक्टिवा पर चलती हुई माँ बेटी जो सोने से लदी हुई थी, रोक करके मैंने कहा मैं आपका MP हूँ। उन्होंने कहा पहचानते आपकी इजाजत हो तो एक फोटो खींच लू। क्यों खींचेंगे? इसलिए खींचेंगे तो ये बता सकूँ देश देश में ना तो गुजरात में गरबा होते हुए सोना पहने हुए और महिलाओं को मैंने देखा था, या अपने पैदा होने के बाद 63 साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी बात है 2:45 बजे चलती हुई महिलाओं को मैंने सोने से लगा हुआ योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देखा है। ये तो छोटी बात है क्या? मोदी और योगी के भाषण को सुनने के लिए पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। जहां एक नजर जाए वहां तक मोदी और योगी के समर्थक नजर आ रहे थे, तो वहीं भगवा भी जमकर लहरा रहा था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिगंबर सिंह धाकरे ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर परचम लहराने जा रही है। आप देखिए, आज जो विश्व के नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हुई है उसमें आपने देखा अपार जनसमूह जो उमड़ा है, ये उनके प्रति देश का प्यार है, देश की जनता का दुलार है। देश की जनता उन्हें इस तरह चाहती है कि वो उसके लिए धूप में भी जो एकता चल के आई थी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको दिखाइएगा कि आज जो है लाखों की संख्या में आगरा में जो भीड़ आई वो यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के मंत्री मोदी जी, हमारे सांसद राजकुमार चार जी, हमारे मंत्री प्रोफेसर बघेल जी, इनका एक करिश्मा है, उनका एक व्यक्तित्व है कि उनके प्यार के चलते ये पूरी भीड़ जो यहाँ आई थी वो एक सफल रैली आज संपन्न हुई। इसके जनता को पूरा बधाई देता हूँ और मीडिया को पूरी बधाई देता हूँ। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास रचने जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।